हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिया ब्रूथ। सो आज का टॉपिक है सेफ स्किन केयर इन प्रेगनेंसी। तो सेफ स्किन केयर इन प्रेगनेंसी बहुत ही नीडेड टॉपिक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही नीडेड है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्किन इश्यूज हुए थे ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। सो वो भले ही एक्ने हो जाए, किसी को मेलाज्मा हो जाता है मतलब पिगमेंटेशन हो जाता है, किसी को हेयर फॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, तो बहुत ही तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये नॉर्मल है, इन सबको होता है। अगर हो तो इससे स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको साथ में ये ध्यान रखना है कि आपकी पूरी बॉडी एक बेबी बना रही है, एक नई लाइफ क्रिएट कर रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा टास्क कर रही है। सो इट्स ओके अगर आपको फॉर द टाइम बिंग थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं, जिसका क्योर मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन, एंड जिससे आपको फायदा थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। हम ये भी बात करेंगे कि आप अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ कंसर्न्स आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, एंड इस लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए ये वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखें, और कहीं भी अच्छा लगा हो तो जाके लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है बहुत ही इन ट्रेंड सीरम, जो कि है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल क्या होते हैं? बेसिकली विटामिन ए। विटामिन ए को अगर आप अपने टॉपिकली अप्लाई करो, अपने स्किन पे अप्लाई करो, एंड वो स्किन से होते हुए अगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो स्किन क्या करती है, विटामिन ए को रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देती है। अब ये रेटिनॉल जो है आपके ब्लड में भी कंज्यूम हो सकता है, एंड फिर जाके आपके बेबी में भी जा सकता है। तो इस वजह से बर्थ इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, एंड इसीलिए रेटिनॉल नहीं अप्लाई करना चाहिए व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है हाइड्रोक्विनोन। सो हाइड्रोक्विनोन लिया जाता है टू रिमूव हाइपर पिगमेंटेशन, एंड ये जो है अगेन जाके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, फिर डायरेक्टली बेबी के पास जाती है, तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। थर्ड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है फ्थालेट्स, स्पेशली डाई इथाइल फ्थालेट, जो कि बोलते हैं कॉमनली DEP। सो DEP बहुत ही हानिकारक है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, एंड DEP कई सारी प्लास्टिक पैकेजिंग में भी होता है, एंड इस प्लास्टिक पैकेजिंग से वो क्रीम में भी लीच कर सकता है। तो DEP अगर आपको एक ही इंग्रीडियंट्स में या इंग्रीडियंट की लिस्ट में कहीं भी छोटा सा भी दिखे तो उठा के फेंक देनी है आपको अपनी क्रीम। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली अब तो नहीं दिखता है, पहले की क्रीम्स में ज़्यादा होता था, बट अगर है तो क्रीम को नहीं लगाना है। नेक्स्ट चीज़ जो कि है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स हो सकता है कि आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सनस्क्रीन बोलते हैं कि हमेशा ही अप्लाई करना है, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर हो, सनस्क्रीन अप्लाई करते रहना है। लेकिन अगर आप केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है एंड इस चीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड। तो ये सारी इतनी लंबी लिस्ट हो गई थिंग्स टू अवॉइड। तो चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न। तो अगर आपका कंसर्न है एक्ने का, तो आप तीन चीज़ें में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, वो है एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ये तीनों सेफ हैं, ये तीनों सीरम सेफ हैं, एंड आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम कंसर्न डिस्कस करते हैं स्ट्रेच मार्क का। स्ट्रेच मार्क बहुत ही कॉमन है, एंड सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं इसके लिए। जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। उसके साथ आपको क्या करना है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर दे, वो चीज़ अप्लाई करनी है। आपकी बॉडी अगर ऑयली है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ड्राई है तो येस यू नीड इंटेंसिव एक्सटेंसिव मॉइस्चराइजेशन। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी तरह के ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, बटर्स, कोको बटर, शिया बटर, मैंगो बटर, इन सब की क्रीम्स अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पियो, इसका ध्यान रखना है। तो जो भी एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं, जैसे कि आपकी बेली एरिया है, आपका हिप एरिया है, आपका ब्रेस्ट एरिया है, आप इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम से, ऑइंटमेंट से हाइड्रेट करके रखो, एंड इससे आपको स्ट्रेच मार्क्स शायद ना पड़े। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिंकल्स या फाइन लाइन। तो अगर आप पहले से कुछ क्रीम्स या सीरम अप्लाई कर रहे हो एंड वो अवॉइड वाली लिस्ट में चला गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए विटामिन ई, या फिर आप ग्रीन टी भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे अबाउट SPF, सन प्रोटेक्शन। तो सन प्रोटेक्शन में मैंने पहले बताया कि आपको केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स नहीं लेनी है, आपको क्या अप्लाई करना है, अब मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स।
तो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन में हो गया जिंक ऑक्साइड या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड, आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। नेक्स्ट चीज बहुत ही जो कॉमन है वो हो गया आपका हेयर फॉल। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि मेरे साथ हुआ था, ये तो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो एंड इसके बारे में बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में। तो आपको लेनी है फेन्यू फिट कैप्सूल्स, जो कि होती है मेथी के तेल की कैप्सूल। आपको ऑयल लेना है, जितना आप अप्लाई करते हो उस क्वांटिटी का ऑयल लेना है, एंड उसमें ये फेन्यू फिट ऑयल की कैप्सूल मिला देनी है। ल्यूक वॉर्म ऑयल में ये मिलाना है, एंड हर दो दिन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, हर दो दिन में इसको अच्छे से आपको अप्लाई करना है। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है, एंड आपको फर्क जरूर दिखेगा, आपका हेयर फॉल जरूर कम होगा। अगर कम हुआ तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, एंड कॉमेंट में बताना प्लीज। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई कि आप अगर जो जो स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मेरा स्किन केयर रूटीन कैसा था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको हल्के गुनगुने पानी से अपना मुंह वॉश करना है, कोई सेफ स्किन क्लेंजर अप्लाई करना है, एंड उसके बाद आपको कोई सीरम अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या सीरम अप्लाई करती थी, जो था विटामिन सी। तो विटामिन सी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है अच्छे से, एंड देन आप अगर कोई अंडर आई क्रीम लगा रहे हो तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। मैंने कोई अंडर आई क्रीम नहीं लगाई थी। उसके बाद आपको फिनिश करना है आपका अपना स्किन केयर विद अ SPF। तो कोई मिनरल बेस्ड SPF आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑल अबाउट स्किन केयर इन योर प्रेगनेंसी। अब मैं आपको ये डिस्क्लेमर ज़रूर दे देना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, दिस इज़ थ्रू रिसर्च एंड थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि इनकरेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, बट कीपिंग इन माइंड कि सबकी बॉडीज अलग होती हैं, सबकी स्किन अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी हेल्थ अलग होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ चूज कर रहे हो अप्लाई करना, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, एंड वंस योर डॉक्टर गिव्स अ गो अहेड, फिर ही जाके उसको अप्लाई करें। तो ये थी मेरी वीडियो, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है। हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके हमें जरूर फॉलो करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए वेट करते हैं अगली वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय।